प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था श्याम खेल रहा था वाक्य में कौन सा काल है। आपके विकल्प थे ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल अथवा डी सामान्य भूतकाल। विकल्प बी अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए उन्नतशील, बी निर्गुण, सी राजागण अथवा डी शांतमय। विकल्प बी निर्गुण। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है को, अमर्ष, रोष अथवा विक्षुब्ध। विकल्प डी विक्षुब्ध। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए माता पिता हमारे परम हितैषी हैं, बी इसका संबंध गृह मंत्रालय से है, सी भूकंप से बहुत क्षति हुई अथवा डी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। विकल्प सी भूकंप से बहुत क्षति हुई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सामिश का विलोम शब्द है आमिष, निरामिष, सदोष अथवा नास्तिक। विकल्प बी निरामिष। अगला प्रश्न। रात और दिन में कौन सा समास है, बहुव्रीही, कर्मधारय, अव्ययी भाव अथवा द्वंद। विकल्प डी द्वंद। अगला प्रश्न। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है निरादर करना, बहुत खुश होना, इज्जत रखना अथवा घमंड दिखाना। विकल्प ए निरादर करना। अगला प्रश्न। जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है जठराग्नि, दावानल, बड़वाग्नि अथवा वागदत्ता। विकल्प बी दावानल। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बबर शेर, व्याघ अथवा बाघ। विकल्प सी व्याघ। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ए सुकर्म, बी सुगम, सी स्वागत अथवा डी संचय। सही जवाब है विकल्प डी संचय। अगला और अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कंज का अनेकार्थी शब्द नहीं है ब्रह्म, कमल, पक्षी अथवा अमृत। विकल्प सी पक्षी। चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सरकार, सरदार और सितार किस भाषा के शब्द हैं?
विकल्प है ए फारसी, बी तुर्की, सी अंग्रेजी अथवा डी संस्कृत। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में इस प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।